भारत के संविधान से ऊपर हैं ये लोग। भारत के संविधान में कहाँ लिखा है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करने पे उसकी संपत्ति सील होगी? और संपत्ति बची कहाँ? ये सील कर लो, आंदोलन ना करें तो भारत सरकार छीन लेगी। तो संपत्ति तो जानी है, लगवा दो यार, जितने लगने लगवा दो, हम ना डरते इन चीजों से। ना हम डरे ना हम डरे, मनमानी करोगे हैं? मनमानी करोगे क्यों? शांतिपूर्वक आंदोलन करना अगर गुनाह है तो फिर आंदोलन करने क्यों दिया जा रहा? जेल भेज दो। जेल भी भेजे जाते हैं तो आप हंगामा खड़ा कर देते हो। हरियाणा के अंदर भी किसान जेल भेजे गए थे, हंगामा कर दिया, धरना प्रदर्शन दे दिया, अन्न त्याग दिया, क्या क्या कर तो देते? हमारे पास शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने का ही तो अधिकार है जो हमें संविधान ने दिया है, उसको कौन छीन सकता है? शांतिपूर्वक करो, लेकिन सरकार हंगामे की मना करती है ना, सरकार हिंसा से खिलाफ है, हिंसा के। 8 महीने से तुम भी यहाँ हो, कौन सी हिंसा हुई है? हुई है, कहाँ हुई है बता? लेकिन हिंसा नहीं हुई तो जंतर मंतर पे NSA क्यों लगाई गई है? NSA क्यों लगाई गई है? वो तो अरे मैं यही तो कह रहा हूँ कि हम पहले हमारे पुरखे गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, और गोरे अंग्रेज जब हमारे पुरखे लड़ते थे उन पर देशद्रोह के मुकदमे लगते थे, और वो आज ये सरकार हमारे काले अंग्रेजों की सरकार आज हम पर आंदोलन करने पर देशद्रोह के मुकदमे लगा रही है। तो हम में, इस सरकार में और अंग्रेजों में अंतर क्या है? तो आप आज़ादी की बात करते हैं, आज़ाद होना है, किससे आज़ाद होंगे आप पहले तो ये बताइए। हम आज़ाद होना चाहते हैं पूंजीपति सरकारों से, राजतंत्र से, क्योंकि देश में राजतंत्र है और राजा ही दमन कराता है। जब भी राजा के खिलाफ आप बोलोगे, अपनी आवाज उठाओगे तो राजा दमन चक्र चलाता है, और वो दमन चक्र ये चला रहे हैं, तो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं हम लोग। तो आप अपनी मनमानी नहीं करते? 8 महीने से लगातार बैठे हुए हैं, सरकार कह रही है चले जाओ, फिर भी आप बैठे हैं अपने आप। जाके करें क्या? अपनी जमीन इन्हें दे दें? जमीन मांग खा रही है। और क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अभी? मांगी कहाँ है जमीन? क्यों कानून पास कर दिया और इससे ज्यादा क्या रखेंगे बताइए? अभी तो रोक लगी है ना, रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट कब स्टे तोड़ दे इनका? क्योंकि आजकल तो एक वो आ रहा ना जासूसी, तो पता ना किस किस की जासूसी हो रही होगी, क्योंकि एक की जासूसी कराई, अपने फेवर में फैसले कराए और राज्यसभा भेज दिया। तो जासूसी कांड का अभी तक सुनवाई कोर्ट में ले लिया संज्ञान? क्या अगले हफ्ते सुनवाई होगी? अच्छा, क्या भारत सरकार बता सकती है उसने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा? क्यों भारत सरकार को बताने में क्या? तभी तो कह रहा हूँ राजतंत्र है, तो यही तो राजतंत्र है, इसे ही राजतंत्र कहते हैं। इसी सरकार में राजतंत्र दिख रहा है, पिछली सरकार आई तो उनमें नहीं दिखा था। क्यों पिछली सरकारों से हम लड़े नहीं है? लड़े नहीं है पिछली सरकारों से लड़े, लेकिन इस सरकार से तो आपने हद ही कर फेंकी। तो इस सरकार ने भी तो हद ही कर दी, 3 काले कानून हमारे सिर पे थोप दिए, इनसे कौन लड़ेगा? आज सरकार किसकी है उससे लड़ रहे हैं। देखिए एक कानून बनता है जनता के लिए, कानून बना तो कम से कम जनता से पूछोगे, उस पर उनकी राय लोगे। बताइए किससे राय लिए? कहते तो हैं किसानों से राय लिया हो, जब ये बिल पास हुआ है हमने डाटा मांगा, डाटा बता दो कौन से किसान है, क्यों नहीं देते? फिर कृषि मंत्री क्यों कहते हैं कि हमारे पास किसान हैं और इतने किसान हैं जो ये विरोध कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है उनके सामने, तो फिर बात क्यों करते हैं? हर तीसरे दिन आकर के वो मीडिया में क्यों बाइट दे रहा? तो करो बात, तो बात क्यों नहीं करते? बात करो, बात तो कर ली ना उन्होंने, आप मानते कहाँ हैं? तो जब मानते नहीं तो फिर क्यों कर रहा है? क्यों करते नहीं करते तो आप आरोप लगा देते हो कि सरकार कुछ सुनती नहीं हमारी। जब वो कह देते हैं कि बात हो गई, जब समाधान
उन्होंने तो कर दिया अपनी तरफ से कि कानून तो वापस नहीं होंगे, आप फिर अड़ जाते हो अपनी पे। तो हम भी अड़े हैं। जब वो बिल किसने बनाए, किसने बनाए बिल? भारत सरकार ने। तो वापस कौन लेगा? भारत सरकार। बताओ किस हित में इस बिल में, बताओ कैसे किसानों की आय दुगनी होगी? कौन सा आ रहा गांव में क्यों समझाना? जब सारे किसान उनके फेवर में, जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो इनके खिलाफ हैं, तो बॉर्डर वालों को ही तो समझाना पड़ेगा। आओ बॉर्डर पे समझाओ। कहाँ समझा दिया? लाइव करा दे उसे। जो विज्ञान भवन में किसानों की और कृषि मंत्री की और अन्य मंत्रियों की वार्ता हुई है, वो वीडियो जरा जारी करा दो, पता चल जाएगा कि सरकार झूठ बोल रही है या किसान नेता झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह संसद की कार्रवाई लाइव चलती है, लाइव चला दो, पूरा देश देख लेगा कि देश में कौन झूठा है। लेकिन आप इधर बात भी करते हो, इधर बोलते हो मिशन भी चलाएंगे, फिर सरकार बात क्यों करेगी? क्यों हम गुलाम हैं? हम कुछ बोल नहीं सकते, हमें वोट देने का अधिकार नहीं है। इलेक्शन अभी थोड़ी है, तब तक इंतजार करो। तो मिशन यूपी में कौन सा उन्होंने वोट देने की बात करी है? वोट नहीं देने की। सिर्फ हमारे किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लखनऊ में सिर्फ यही तो कहा है कि अब मिशन यूपी होगा। यही तो होगा ना, बीजेपी को वोट नहीं देगा। क्यों मिशन यूपी में ये नहीं हो सकता कि हमारे 12,000 करोड़ गन्ने का पेमेंट पड़ा है, वो कौन देगा? देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता है 14 दिन में पेमेंट होगा। वाह, हमारी MSP मिली, हमारा बिजली का बिल। आपके एजेंडे क्या है? आप भटक रहे हैं। पहले आप कहते हैं कृषि बिल हमारे एजेंडे हैं, अब आप नई नई चीजें बातें लेके आ रहे हैं, मजदूर भी आपके साथ है, बिजली की जो बढ़ती कीमतें हैं वो भी आपको लेके चलने हैं। क्यों भाई? भारत में सब, अगर ये कानून लाए हैं तो वो सबके लिए लाए हैं, सभी के लिए है। तो हरियाणा में 35 रुपये हॉर्स पावर, पंजाब में फ्री, महाराष्ट्र में फ्री, अन्य प्रदेशों में फ्री, और उत्तर प्रदेश में 175 रुपये हॉर्स पावर। तो जब एक देश है, एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो तो प्राइवेट में दे रहे। जब सारी चीज, एक बात तो बताओ, जब सारी चीज तुम प्राइवेट में दे दोगे तो संसद प्राइवेट में क्यों नहीं दे पा रहे? सरकार भी प्राइवेट में दे चुके तुम तो, तुम्हारे पास क्या अलग चीज है? प्राइवेट में देंगे तो 10 कंपनी आएंगी, तो कितने होगा, तो कितने मिलेंगे? कौन कह रहा? तो जब 10 कंपनी आएगी वो बोला मैं क्यों, सरकार तो दे नहीं रही, प्राइवेट दे देगा? कभी आपने सोचा प्राइवेट कंपनी घाटे के लिए आती है या प्रॉफिट के लिए आती है? कंपटीशन तो होती है ना। काय का कंपटीशन होता है? मोबाइल का है। हाँ, मोबाइल में क्या है? सबका 600 रुपये 3 महीने का, बता। और मोबाइल में पता कितना कर दिया जब से मोदी आया? 12 महीने के 13 महीने कर दिए। 12 महीने के 13 महीने हुए नहीं हुए? किसी देश में है 28 दिन का महीना? बताओ, मोबाइल रिचार्ज और टीवी रिचार्ज में 28 दिन का महीना, और 28 नहीं 27 दिन रह जाते हैं। बताओ क्या? तो इनका लैंडलाइन चलाओ, लैंडलाइन चलते का खर्चा पहले नहीं हो रहा था? जो टीवी का रिचार्ज 220 रुपये में होता था, आज 350 रुपये में है। पहले 220 रुपये क्या? क्यों मोदी ने ही आके कराए? इससे पहले नहीं था? पहले क्या हुआ? देसी सरकार में क्यों हुआ? कौन कह रहा है? देसी सरकार में नेट की सुविधा चल रही है। मैं तब से मोबाइल रखता हूँ जब 18 रुपये कॉल इनकमिंग और आउटगोइंग थी, याद है? जब जियो नहीं था तब से भी रखता हूँ। जब जियो नहीं था, हाँ, देश का प्रधानमंत्री सरकारी BSNL को दबाने के लिए प्राइवेट जियो का ब्रांड एम्बेसडर बनता है, तो वो देश के लिए घातक होता है।